अमित स्याल ने किस तरीके से अपने को बनाए रखा इंडस्ट्री में, और तिकड़म आने के पहले तक जब आप उल्टा देखते हैं अपनी पूरी जर्नी को, क्या पाते हैं? वो कुछ भी करके तिकड़म विकड़म लड़ा के, वो जिंदगी ने तिकड़म लगा के वापस भेज दे मुझे कि वापस इसी पाथ पे आओ। तो ये उस टाइम की तस्वीर है जब रात भर शूट किया था महारानी का ही, होशंगाबाद में शायद। ये भाईचारा है। मैं और रणदीप 21 साल की उम्र में मेलबर्न में मिले थे और अभी तक हम लोग बहुत 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 ही अच्छे दोस्त हैं। अमित स्याल ये हैं या फिर हमें जो स्क्रीन पे दिखते हैं बहुत ही रूड? आइसक्रीम खाइए, दिमाग को ठंडा रखिए, समझे कि नहीं? बीमा का चमचा हो, जितना मर्जी कर लो, वफादारी उसी के साथ करोगे। वेब सीरीज में होना जरूरी है गालियों का? कैमरे के पीछे बात करो फिर देखो क्या होता है। मटन पकाओ अलग से और चावल आधे पकाओ, फिर उसको साथ में पकाओ दम पे आटा लगा के। तो आपको एज अ पॉलिटिशियन राबड़ी देवी कैसी लगती है? नमस्कार, मैं हूँ रचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। और अभी पता है वेब सीरीज ने धमाल मचा रखा है, क्योंकि हमारा ज्यादा समय जो है ना वो OTT पे गुजरता है। और जब हम वेब सीरीज की बात कर रहे हैं तो एक चेहरा जिसने बवाल मचा रखा है वो होता है अमित स्याल का। इस वक्त अमित स्याल जी हमारे साथ है, नए वेब सीरीज के साथ है वो, और बिल्कुल अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। तिकड़म की हम बात कर रहे हैं। फिल्म जी, बिल्कुल ये फिल्म इनकी आ रही है और फैमिली बेस्ड फिल्म है। अभी तक हमने आपको देखा सर कि विलन वाले किरदार में, पॉलिटिशियन, कभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के किरदार में आप नजर आते हैं, लेकिन अभी जो नई फिल्म आपकी आ रही है तिकड़म, वो बिल्कुल ही अलग और फैमिली बेस्ड फिल्म है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो चाह रहा था कि एक्सपीरियंस मुझे मिले ऐसा कुछ करने को, और एकदम सही समय पे आई ये फिल्म मेरे पास, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा बर्नट आउट जैसा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई थी सारे कामों में, और वो आपके अंदर घर भी कर जाती है। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ मिलना चाहिए, या मुझे ऐसा खुद कुछ ढूंढना चाहिए जो ये सबको हटाए, थोड़ा ना लाइटनेस आए, लाइटनेस ऑफ बीइंग। तो आई थिंक इस फिल्म ने यही किया है, इट्स मेड मी लाइटर। 2004 में आपकी इंडस्ट्री में एंट्री होती है, और इससे पहले कानपुर से दिल्ली का सफर, फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर वापस मुंबई आते हैं। कई सारे तिकड़म आपने भी अपनाए होंगे बहुत करियर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि कानपुर से निकलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। ऐसे में अमित स्याल ने किस तरीके से अपने को बनाए रखा इंडस्ट्री में, और तिकड़म आने के पहले तक जब आप उल्टा देखते हैं अपनी पूरी जर्नी को, क्या पाते हैं? मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी तिकड़म है। तो और जैसा आपने बताया कि जो मैंने माइग्रेट किया है सिटी टू सिटी, वो उस तलाश में किया है कि मेरा पाथ क्या है, मुझे करना क्या है लाइफ में, और तो आई थिंक वो ढूंढने के लिए आपको निकलना ही पड़ता है अपने उससे ना, पॉन्ड से, और तभी एक एक्सपोजर मिलता है, तभी आपको समझ में आता है कि अच्छा ये भी चीज़ें हैं करने को, मैं इसमें कहाँ फिट हो सकता हूँ। तो कानपुर से निकलना ज़रूरी हो गया था क्योंकि एक सैचुरेशन आ गया था वहाँ पे, ग्रोथ का भी आ गया था, इवॉल्वमेंट का भी सैचुरेशन आ गया था। तो दिल्ली में कॉलेजिंग किया, फिर दिल्ली पहुँचा कॉलेज करने, लेकिन वहाँ पर बैरी जॉन मिल गए, तो बड़ा अच्छा एक प्रोफेशनल थिएटर एक्सपीरियंस हुआ मुझे, उनके साथ काम किया 3-4 साल। फिर थोड़ा डरा दिया गया इनफैक्ट माँ बाप ने, कि थोड़ा फॉल बैक प्लान करो, MBA करो, क्योंकि एक्टिंग में पता नहीं क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा। फिर उस चक्कर में मेलबर्न चला गया पढ़ने के लिए। मेलबर्न में भी ट्राई किया थिएटर, बट हुआ क्या कि मैं जो जहाँ पे शुरू किया था ना, जो एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था करना, वो कुछ भी करके तिकड़म विकड़म लड़ा के, वो जिंदगी ने तिकड़म लगा के वापस भेज दिया मुझे कि वापस इसी पाथ पे आओ। तो एक बहुत ही इवेंटफुल लाइफ रही है मेरी, इवेंटफुल, मैजिकल, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है तो मुझे लगता है कि हम लोग वो पा लेते हैं जो हमें नहीं। मुझे लगता है कि एक डेस्टिनी भी होती है यार, क्योंकि मैं 7-8 साल जो है ना जुदा हो गया था एकदम एक्टिंग से, लेकिन वो ले ही आया वापस मुझे ना। तो आपके लिए कुछ लिखा है ना तो होके रहेगा वो, आप बस आप अपना लगे रहो। तिकड़म की हम बात कर रहे हो और माइग्रेशन की भी आपने बात की, और जाहिर सी बात है हम आप सब छोटे जगह से आए हैं, माइग्रेट ही हुए हैं वहाँ से। बिहार में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और आपने बहुत सारे बिहारियों के साथ काम भी किया है, फिल्म इंडस्ट्री में भी बिहारियों का भी दबदबा है, मुझे लगता है सारे इंडस्ट्री में है। माइग्रेशन को आप कैसे देखते हैं बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से?
यार देखो, ये मैं मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ पे तो जो चल रहा है जो जिसको मतलब लिटरली बोल रहा हूँ चल रहा है, कि टैक्सी, रिक्शा, काम करने वाले, लेबर बहुत हैं यार बिहार से, बहुत हैं वो, मतलब अपने अपने अपनी फैमिलीज को छोड़ के काम में लगे हुए हैं, घर पैसा भेजते हैं और मे भी शायद साल में एक आध बार घर जा पाते हों छुट्टियों में, तो आई थिंक बहुत मुश्किल जीवन है यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जीवन है कि आप अपने परिवार से अलग हो के एक दूसरे शहर में रह रहे हो, आप कभी कभी देख पा रहे हो उनको, मिल पा रहे हो उनसे, उनके साथ समय नहीं बिता पा रहे हो जैसे आपको बिताना चाहिए। तो माइग्रेशन, हम लोगों को ऐसा कुछ डेवलपमेंट चाहिए इस देश में कि माइग्रेशन बहुत मिनिमल हो जाए, कि आप जहाँ से हैं आपके लिए वहीं पे, वहाँ पे ही इतनी अपॉर्चुनिटीज हो कि आपको अपना घर बार छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। अगर आपके करियर की बात करूँ तो आपने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके थैली में कि मतलब सब पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि पूरा वीक लग जाएगा मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपकी लाइफ जर्नी जो करियर बेस्ड है उसको समेटूं। कुछ तस्वीरें हैं उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी मैं। कैप्शन, ये तस्वीर है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये एक्चुअली ये वेटर थे एक ढाबे में, हम लोग सुबह खाना खाने जाया करते थे, तो ये उस टाइम की तस्वीर है जब रात भर शूट किया था महारानी का ही, होशंगाबाद में शायद, और तो इसका स्पेलिंग मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, वास बेसन, तो इसलिए मैंने सोचा ये फोटो खिंचवा लेनी चाहिए। आगे भी और भी तस्वीरें मिलेंगी आपको। ये यार ये भाईचारा है। मैं और रणदीप 21 साल की उम्र में मेलबर्न में मिले थे और अभी तक हम लोग बहुत 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 ही अच्छे दोस्त हैं, और ये हम लोग एक शूट कर रहे थे साथ में इंस्पेक्टर अविनाश, तो ये राजस्थान की फ़ोटो है, और हाँ तो मतलब, और ये इंस्ट्रूमेंटल हैं मुझे एक्टर मतलब मुंबई बुलाने में, इनकी वजह से ही हूँ। तो अभी तो आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। किसी साउथ फिल्म का, तो मतलब आपको लगता है ये तस्वीर देख के कि अमित स्याल ये है या फिर हमें जो स्क्रीन पे दिखते हैं बहुत ही रूट? अमित स्याल में सब कुछ है दोस्त, है ना, और सारे रस भरे हुए। अमित स्याल को आप प्लीज जो किरदार के उससे जज ना करें तो बेटर रहेगा। सर कुछ डायलॉग्स भी हैं क्योंकि आप कानपुर से हैं और आपके कुछ डायलॉग्स हैं, मैं चाहूंगी कि कानपुरिया लैंग्वेज में आपको बोलना है। कोशिश करेंगे। पहला डायलॉग है, हम लोग पुलिस वाले हैं खाना पीना तो लगा ही रहेगा। हम लोग पुलिस वाले हैं खाना पीना तो लगा ही रहेगा, कानपुरिया लैंग्वेज में भी ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग पुलिस वाले हैं खाना पीना तो लगा ही रहेगा ना भैया। और आइसक्रीम खाइए, अपना दिमाग ठंडा रखिए। आइसक्रीम खाइए, दिमाग को ठंडा रखिए, समझे कि नहीं? बीमा का चमचा हो ना, हमको पता है जितना मर्जी कर दो वफादारी तो बीमा का ही करोगे। बीमा का चमचा हो, जितना मर्जी कर लो वफादारी उसी के साथ करोगे। लेकिन अमित स्याल जी एक बात बताओ, मतलब ये जो डायलॉग्स मैंने निकाले बड़ी मुश्किल से निकाले, क्योंकि हर डायलॉग के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे सेंसर्ड वर्ड होते हैं जो बड़ी मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि वेब सीरीज में होना जरूरी है गालियों का या उसके अलावा, क्योंकि हम और आप जैसे बात कर रहे हैं हम लोग नॉर्मल वे में उतनी गालियां नहीं देते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, बिहार हो यूपी हो उतना गाली नहीं देते हैं। कैमरे के पीछे बात करो फिर देखो क्या होता है। तो आपको लगता है कि कनेक्शन के लिए जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी कुछ नहीं है, लेकिन अगर कैरेक्टर की डिमांड है तो होएगा ही वो, और इतना और जबरदस्ती में आप करोगे तो दिख जाएगा वो, तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी स्टोरी का एक इंटेग्रल पार्ट है, आपके कैरेक्टर का इंटेग्रल पार्ट है, तो फिर करना ही पड़ेगा ना यार। बना भी लेता हूँ। कैसे बनाते हैं? मटन पकाओ अलग से और चावल आधे पकाओ, फिर उसको साथ में पकाओ दम पे आटा लगा के,
और फिर उसको दम लगने चंपारण वाला खाया है कि वेब सीरीज में तो चर्चा है चंपारण वाला हाँ खाई ना सब किस्म की मटन बिरयानी खाई बट तो मुझे बेस्ट मेरी मतलब कानपुर वाली लगती है लखनऊ महारानी वेब सीरीज में भी हमने आपके किरदार को देखा और बखूबी निभाया आपने उसको मंत्री के रोल में नजर आए ऐसा लग रहा था कि बिहार में जो पॉलिटिशियन होते हैं रियली हम वो पॉलिटिशियन देख पा रहे हैं फील कर पा रहे हैं बिहार को आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटिक्स को पढ़ा भी होगा क्योंकि वेब सीरीज में काम करने के दौरान एक्टर्स के लिए ये काफी फ्रूटफुल है कि हम जो भी किरदार करते हैं उसके बारे में जानते हैं आसपास वो हो रहा होता है कुछ नहीं पढ़ता हूँ बिहार पॉलिटिक्स मैं किसी भी एक्टिंग के उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ मैं बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ मैं तो कभी कभी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वही पढ़ना भूल जाता हूँ मैं तो फिर एक्टिंग कैसे करते हैं है ना डायरेक्टर वहाँ पे यार मतलब इतना क्या पढ़ना है उसमें डायरेक्शन जो हाँ हाँ मैं एकदम डायरेक्टर्स एक्टर हूँ मैं बिल्कुल और मैं थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड ही जाता हूँ अंडर प्रिपेयर्ड अनप्रिपेयर्ड नहीं ताकि थोड़ा लाइफ सिम्युलेट कर रहे हो ना आप यार तो लाइफ लाइक लगना चाहिए ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा रिहर्सल करता हूँ तो फिर मैकेनिकल होने लग जाता है सब कुछ क्योंकि ये राबड़ी देवी के किरदार पे भी था उनके पूरे लाइफ जर्नी पे पॉलिटिकल जर्नी पे था तो आपको एज अ पॉलिटिशियन राबड़ी देवी कैसी लगती है मुझे एज अ पॉलिटिशियन सब पॉलिटिशियन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि नहीं आपने रोल करा इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपने उसको बट वो राबड़ी देवी पे नहीं था तो ऐसा लगता है लोगों को और आई थिंक पीआर वालों ने भी थोड़ा उछाल के ऐसा कुछ बना दिया होगा मीडिया में बट नहीं था वो राबड़ी देवी पे वो देखो क्या है वो बिहार पॉलिटिक्स पे एक शो है अब वो कहीं से ना कहीं से तो रेफरेंस कुछ तो आएगा ही कहीं ना कहीं का तो राबड़ी जी का कुछ ये अच्छा लगा होगा किसी और जयललिता जी का कुछ लगा अच्छा लगा होगा किसी कुछ अच्छा लगा होगा तो वो सब मिक्सचर था वो यू नो और वो सारे कैरेक्टर्स में ऐसे ही था यू नो तो राबड़ी देवी पे नहीं था और राबड़ी देवी बहुत कमाल की पॉलिटिशियन है यार और बहुत स्ट्रांग और पावरफुल पॉलिटिशियन है एक लंबी जर्नी आपकी रही फिल्म इंडस्ट्री में और पहले विलन का किरदार किया फिर अभी आप फैमिली बेस्ड फिल्म में नजर आ रहे हैं और सब लोग खूब सराह भी रहे हैं आपको तो ये किरदार आपको लगा चैलेंजिंग है क्योंकि इससे पहले विलन बन के रूड रावड़ी ऐसे किरदार चैलेंजिंग तो था ही यार लेकिन उससे ज्यादा आई थिंक मैंने तो जो दिया कैरेक्टर को दिया कैरेक्टर ने मुझे बहुत सारा वापस किया यू नो एक कामनेस और एक अलग किस्म का काम है ये और वो जिस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे बच्चों के साथ जो शूट कर रहे थे वो बहुत ही सरियल फीलिंग थी बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं भी दर्शकों से ये अपील करूंगी कि आप अब भी जाइए और इस फिल्म को देखिए मज़ेदार कैरेक्टर आपको नजर आने वाला है इस फिल्म में अमित सियाल जी का चेहरा भी आपको नजर आने वाला है क्योंकि आप बखूबी इस चेहरे से भली भांति परिचित हैं मैं चाहूंगी आप भी अपील कर दीजिए प्लीज आप लोग तिकड़म देखिए जियो सिनेमा प्रीमियम पे बहुत ही सिंपल येट एंटरटेनिंग आपको हंसाएगी रुलाएगी सब परिवार के साथ देखिए दोस्तों के साथ देखिए इसमें मैंने गाली का ग भी नहीं दिया है तो आप प्लीज इसको देखिए जियो सिनेमा प्रीमियम नहीं बिल्कुल सियाल जी मैं एक और अपील आपसे करना चाहूंगी मतलब आपसे पूछना चाहूंगी आपने लंबी जर्नी फिल्म इंडस्ट्री में निभाई और आप अभी रिचा के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है यार बहुत अच्छा इंटरव्यू करती हैं चलिए थैंक यू सो मच बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए बिहार तक